अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 और 1.3 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए, ये ओरल क्वेश्चन है सारे, इसको हम बुक से ही करेंगे। जो 1.3 एक्सरसाइज है, और विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के लिए मैं टिक करूँगा, जो नॉट एम्प्टी होगा उसे मैं क्रॉस करूँगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। दिस सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1, बिल्कुल सही है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। यहीं यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दें नॉट एम्प्टी, ठीक है बच्चों। दिस सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन यू एंड वी, यू के फौरन बाद तो वी आया था, बीच में कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, लिहाजा ये बच्चों एम्प्टी सेट बनेगा। इसी तरह द सेट ऑफ वॉवल्स अदर देन ए एंड ओ, बिल्कुल आई पांच एलिमेंट हैं, ए ई आई ओ यू, दो यहाँ पे हैं, तीन दूसरे हैं, तो हम वो लिख सकते हैं एक सेट में, लिहाजा ये नॉट एम्प्टी है। इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, 1 से छोटा नेचुरल नंबर होता ही कोई नहीं, तो लिहाजा ये एम्प्टी सेट है। द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ऑड नंबर, ऐसा कोई इवन नंबर नहीं है जिसे हम ऑड नंबर कह सकें, तो लिहाजा ये भी एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब जो चीज़ें काउंट हो सकें वह फाइनाइट हैं, जो काउंट ना हो सके वह इनफाइनाइट है। लेटर्स ऑफ द वर्ड हल्ला गुल्ला, बिल्कुल ये फाइनाइट है, एफ लगा रहा हूँ मैं इसके लिए। दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इनफाइनाइट है, मैं इसके लिए आई लगा रहा हूँ क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर सकते। नंबर्स ऑफ डेज इन ईयर्स हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है। इस्लामिक मंथ, ये भी हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है। ये हम देखें अप टू सौ जहाँ पे आ जाए, ये दोनों को आप गौर से देखें, ये चलते ही जा रहे हैं, कहाँ जाके रुक रहे हैं आई डोंट नो, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। ये एफ देखें, सी एफ आई एम ओ आर यू, ये जो भी नंबर वर्ड्स बन रहे हैं जो भी है, लेकिन ये गिने जा सकते हैं, लिहाजा ये फाइनाइट है। तो ये था बच्चों आज आपका लेक्चर, अगले लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।